ऑल राइट गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं जूस सैंड। तो ये गेम ना बेसिकली एक पजल बेस्ड गेम है। इसमें ना एक सिविलाइजेशन होती थी जो ना पहाड़ों में रहती थी, लेकिन किसी कारण ना वो वैनिश हो गई। अब ना हमें माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है और टॉप पे पहुंचना है, और हमें ना ये पता लगाना है कि आखिर वो सिविलाइजेशन कैसे वैनिश हो गई थी, रियल रीजन क्या था उनके वैनिश होने का। तो स्वागत है आपका जूस सैंड में। तो मैं बेसिकली ना किसी रेगिस्तान में हूँ, और यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज है जो कि ना अब ऐसे ही पड़े हुए है। क्या पता यहाँ पर कभी कभार पानी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन मुझे दूर से ना एक लड़का आते हुए दिख रहा है, ये शायद मैं हूँ। और हमें ना इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करना है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पर कभी कभार समंदर हुआ करता था मेरे एस्टिमेट के हिसाब से। और ये जो लड़का है ना, इसने एक मस्त सी स्पैक्स पहनी है, और यहाँ से ना इसकी दो लाइन्स है, क्या पता ये आदिवासी हो। इस परिंदे और लड़के के सिवा ना इस रेगिस्तान में कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा है इस पूरे रेगिस्तान में, सिवाय रेत के, धूप के। बस वो गिने चुने परिंदे ना ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, इसके बगैर और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मुझे ना किसी माउंटेन पे पहुंचना है जो कि शायद मेरे सामने है। तो बेसिकली ना यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन थी, कहीं ये लड़का उसी सिविलाइजेशन का मेंबर तो नहीं था ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ना इस पे चढ़ाई करनी है। ओ वेट, ऊपर ना कुछ टॉवर जैसा है, और लगता है मुझे ना इसी टॉवर पे पहुंचना है। ओ वेट, इसके बैग में कुछ है, और यहाँ पर ना कुछ रस्सी पड़ी है, कुछ डिब्बे विब्बे ना बिखरे पड़े है। डे मार्क, तो ये ना गेम का पहला चैप्टर है। हमें ना बेसिकली उस टॉवर तक पहुंचना है, बट मैं जाऊंगा कहां से? इस माउंटेन पे चढ़ाई करना ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और यहां से भी ना एक पीस पड़ा है शिप का। ये ना इन सीढ़ियों से होके ना ऊपर तक आ गया इतनी ही जल्दी में। तो इन लोगों ने ना इस माउंटेन को काट काट के ना ये रास्ते बनाए हैं। तो पुराने जमाने के जो लोग थे ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, उनमें थकावट जैसी ना कोई चीज ही नहीं थी, वो ना कम थका करते थे। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, होल्ड टू ग्रिप। ओके, तो मुझे यहां पर ग्रिप को होल्ड करना है, और अब ना मुझे इस रास्ते से ऊपर जाना होगा। बट कैसे जाऊं? तो मुझे पहले यहाँ पर एक जंप करनी है, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रिप संभाल के ना नीचे नहीं आना है मुझे, क्योंकि मुझे पहले यहाँ पर, अबे यार वहाँ नहीं जाना है मुझे। ओ वेट, इसने ना यहाँ पर एक रस्सी ना किसी बॉक्स में फंसा दी, और अब ना मैं बड़े ध्यान से ऊपर जाऊंगा। ओके, मैं जैसे ऊपर जंप करूंगा ना, मुझे ना उसी टाइम पे ग्रिप को होल्ड करना है। तो मैं पहले यहाँ पर एक मस्ती जंप करता हूँ, अब तेज करूंगा यार। अबे 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 अबे, आराम से आराम से, इतना भी जल्दी नहीं है मुझे। ओके, तो फिलहाल मैंने इसको पकड़ लिया, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। आइकन डिस्प्ले द रोप्स मेन व्हेन फुल, इट मींस, अबे मुझे पहले पढ़ने तो दो यार, क्या कर रहे हो। अब मैं इस रस्सी को कैसे बाहर निकालूं? मैं ऊपर जा सकता हूं क्या? हाँ, वैसे ऊपर जा सकता हूं। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं रस्सी को उस बॉक्स से कैसे निकालूं? मैं यहां तक तो आ गया, वी होल्ड, अब ना शायद मैं इस रस्सी को ओके बाहर ला सकता हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं ना इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे हूं, मैं जिस पे खड़ा हूं ना ये गिरना नहीं चाहिए। और यहां पर ना कूड़ा हर तरफ बिखरा पड़ा है, आखिर वो सिविलाइजेशन कहां गई होगी? मुझे यार अभी भी समझ नहीं आ रहा है, जर्नी तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। अब नजारा देखो ना, कितना ब्यूटीफुल नजारा है यार। इस गेम का जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और जो डेजर्ट है ना वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ओके, तो इसने यहाँ पर इस रस्सी को ना उस वाले बॉक्स में खुद ही फंसा दिया, और अब पहले मुझे यहाँ पर इजीली ग्रिप को होल्ड करके ना ऊपर जाना होगा। मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ से तो रास्ता नहीं है, मे बी यहाँ से रास्ता हो। ओके, तो अब ना पहले मुझे इस रास्ते से ऊपर जाना है, तो पहले मैं ऊपर जाता हूँ। मैं जैसे ही जंप करता हूँ ना, ये लड़का ना ऑटोमेटिकली ना रस्सी को बाहर निकाल के ना ऊपर चढ़ता है। और अब ना मुझे पहले इस दीवार को पार करना होगा, मैं कैसे करूं यहाँ पर? तो मुझे नहीं लगता यार कैसे पार होगा, मैं तो ऐसे ही अंदाजे से आगे जा रहा हूँ। तो मैं पहले ऊपर जाता हूँ, और अब ना शायद मुझे लेफ्ट जाना है। चलो, तो यहाँ पर मैंने फिलहाल ग्रिप पकड़ ली, और अब ना मुझे और लेफ्ट जाना है, तो मैं बड़े आराम से जाता हूँ। ओ, इस बार मैं डायरेक्टली ऊपर तक पहुंच गया। अब ना मैं यहाँ से अपनी रस्सी को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, एकदम बढ़िया। ओ वेट, अब ना मुझे इस माउंटेन को पार करना है, लेकिन इस पे ना वो क्लिप्स नहीं बनी है, मैं इसको कैसे पार करूं? एक सेकंड, लगता है मुझे इन पत्थरों को होल्ड करना होगा। ओ वेट, लेफ्ट में रास्ता है, ऊपर से तो रास्ता बंद है, तो मेरे को शायद ना लेफ्ट में ही जाना होगा। चल, और यहाँ पर मैं ग्रिप पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर पकड़ के मैं कुछ दिखा रहा है, सी होल्ड प्लेस पाइटन, मैं सी पे प्रेस करता हूँ। ओके, तो अब ना मैंने यहाँ पर दूसरी क्लिप लगा ली, इससे ना मुझे वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब पहले मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ से मेरे को लेफ्ट जाना है। अब अब गिरना नहीं है तेरे को। ओ वेट, राइट में ना कुछ ग्रीन कलर का स्टैमिना आ रहा है, अगर ये स्टैमिना खत्म हुआ ना तो मेरी बैंड बच सकती है। तो चलो मैं थोड़ा और लेफ्ट में जाता हूँ। अबे ग्रिप पकड़, ग्रिप पकड़। अबे यार, वो तो अच्छी बात है मैंने यहाँ पर रस्सी को होल्ड करके रखा है, वरना मैं नीचे गिर जाता और नीचे ना मेरी चटनी बन जाती। कमॉन कमॉन, अबे यार इस लड़के में दम तो है यार, प्रेस क्यों? तो इसे ना स्टैमिना वापस आता है, यहाँ से स्लाइड करके ना इस वाली ग्रिप को पकड़ के अब आगे जाता हूँ बड़े आराम से। यार ये क्लाइंबिंग ना थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है, क्योंकि इंसान जैसे ही नीचे गिरता है ना तो उसको नए से आना पड़ता है। ये ना इस गेम का ड्रॉबैक है, ओबियस सी बात है, इस गेम में कोई चेक पॉइंट नहीं है। मैं कसम
से वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ऊपर से मेरे पास स्टैमिना बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पर ना लेफ्ट में एक जाली लगी है, तो मैं अब इसी को पकड़ने वाला हूँ। सी होल्ड टू प्लेस अ पाइथन। अब मुझे नए से नहीं आना पड़ेगा, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। पकड़, आराम से पकड़ यार, काश ये स्टैमिना वापस सारा आता, बट नहीं आ सकता। तो यहाँ से ना मुझे कदम कदम पे ध्यान रखना होगा। अगर गलती से भी स्टैमिना कम हुआ ना, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ऊपर ना कुछ क्लिप लगी है, तो बस अगर मैं वहां तक पहुंचा ना, मान लो मैं इस माउंटेन को पार करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे बहुत ऊपर जाना है यार। चलो फिलहाल मैं यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से मैं अपने स्टैमिना को करता हूँ फिर से रिवाइव, और अब मेरे को यहाँ से जाना है ऊपर। ऊपर बस यार, आखिरी आखिरी ग्रिप है यार, पकड़। ओ मैं नीचे गिरने वाला था, कम ऑन, स्टैमिना खत्म हुआ ना, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। चल पकड़, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर ना हमने पहली चढ़ाई को पार कर दिया। यहाँ पर ना कुछ डिब्बे पड़े, काश इनमें कुछ खाने के लिए मिल जाता। ये माउंटेन है बाहर से मुझे एकदम बंजर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ना प्रॉपर रूम्स बने हैं, तो यहाँ पर ना एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। यहाँ पर ना वो हैट है माइनर्स की, जो ना माइन करते हैं। मे बी ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो ना, इनको यहाँ पर सब कुछ आता हो। और अब ना पहले मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। चलो इस बार ना मेरे पास स्टैमिना फुल है, बट यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। तो चलो मैं ऐसे ऊपर जाता हूँ। ओ कसम से ये बंदर की तरह ना ऊपर जा रहा है। ये ऊपर कांटे लगे है क्या? नहीं कांटे तो नहीं है, ओ ये कुछ पत्थर जैसा है। तो मैं यहाँ से ना अपनी रस्सी को पहले बाहर निकाल लेता हूँ। फिलहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ लेटर पड़ी है। बाढ़ में जाए यार, मुझे बकवास नहीं सुनी है आपकी। और देखो ना यार मैं कितना ऊपर आ गया, और वो टॉवर ना ऊपर है, मैं बस वहाँ पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से तो रास्ता बंद है। ओ वेट, लगता है मुझे ऊपर से जाना होगा, नीचे से मुझे जाना होगा। तो मैं ना यहाँ से दीवार पे अपनी कैराबाइनर को लगा देता हूँ। फ्लेक्सिबल तो बहुत है, ऊपर से लंबी भी बहुत है, तो नीचे गिरने का तो यहाँ पर नाम ही नहीं बनता है। अब मैं कहाँ से जाऊँ? ओ वेट मैं समझ गया, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से ना अपनी रस्सी को थोड़ा डाउन करना है, और इसके बाद ना मुझे शायद दौड़ के आना होगा, जो कि हम रियल लाइफ में करते हैं। इसको आप कोई भी टास्क दो ना, ये भाई आराम से कर लेता है। तो बस मुझे ना इस वॉल पे दौड़ के आना है, जो कि मैं आ रहा हूँ, और मैं बड़े मजे से ना ऊपर जंप करूंगा, जो कि मैंने कर ली। अबे यार मिस हो गया ना ऐसे। अबे यार ये रस्सी किसमें फंस गई? अबे पकड़ पकड़ पकड़। और भाई साहब जबरदस्त सीन इस लड़के ने यहाँ पर कर दिया। ओबेसी बात है मैंने कर दिया, इसने कुछ नहीं किया। ये डोर ओपन है क्या? नहीं ये डोर तो बंद है। चल चल मुझे यहाँ से बाहर जाना है। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ देख लेता हूँ, ये क्या है? वेट इस लड़के ने यहाँ पर कुछ उठा लिया, ये तो कुछ शेल जैसा है। और अब ये कुछ सुन रहा है, क्या हुआ? ओ यहाँ पर एक ब्रिज टूटा हुआ है, कोई चिल्ला रहा था। मे बी जब ये ब्रिज टूटा होगा ना, उस टाइम पे जितने भी लोग इस ब्रिज पे होंगे ना, वो शायद नीचे गिर गए होंगे। और यहाँ पर ना कुछ अजीब सा डिजाइन बनाया है यार दीवारों पे, मुझे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये कैसी सिविलाइजेशन थी और यहाँ पर कैसे रह रही थी? ओके तो इसने फिलहाल यहाँ पर सब कुछ सुन लिया, और वो कहीं हवा में गायब हो गया। ये क्या यार, ये कैसा जादू था? तो शायद मुझे अब यहाँ से ऊपर जाना होगा। ओके तो पहले मैं इस सीढ़ी को ना क्रॉस कर लेता हूँ। इसको तो मैं आराम से अब कर लूंगा, क्योंकि मैंने ना थोड़ी बहुत यहाँ पर क्लाइंबिंग सीख ली, लेकिन उतनी भी नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत ना डिफिकल्ट है यार। मतलब मैं कहीं भी गिर रहा हूँ, और इस रूम में ना अंधेरा बहुत है। देखो मे बी यहाँ पर कुछ अटैक्स हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो सिविलाइजेशन के बीच में ना एक खतरनाक जंग हुई होगी, और उसकी वजह से ना दोनों में से एक मर गई और एक बच गई। तो रास्ता यहाँ से, ओ मेरे लेफ्ट में रास्ता है। चलो तो मुझे ना यहाँ पर वही स्ट्रेटेजी फिर से अपनानी होगी, थोड़ा बहुत मुझे और नीचे जाना होगा। और अब ना मैं दौड़ के आऊंगा, और इस ग्रिप को पकड़ के, पकड़ लिया। और अब ना पहले मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा। तो मेरा स्टैमिना इस टाइम पे फुल है, तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा बड़े आराम से, और एक और जंप करूंगा। कम ऑन पकड़। अब ना अगली वाली ग्रिप है, तो मैं पहले स्टैमिना को वापस लाता हूँ। मैं गिरने वाला था, ओ लेकिन इसकी हाथ की जो ग्रिप है ना बहुत ही खतरनाक है। अगर मेरी ग्रिप ऐसी होती ना, तो मैं यार स्पाइडरमैन को पीछे छोड़ देता। मेरा स्टैमिना यहाँ पर खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे आ गया था एक बार। ये ना उस सिविलाइजेशन का लड़का है, जो ना बचपन से ही पहाड़ों में रहते होंगे, लेकिन इस गधे को ना ये सब नहीं आ रहा है। अबे फिर तो कब सीखेगा यार, कसम से मेरा स्टैमिना खत्म होने वाला था। ओके बहुत ही बढ़िया। ओ वेट ये हवा में क्या है? ये तो मुझे कुछ हॉट बलून लग रहे। नहीं, अगर मैं इस सीढ़ी से नीचे जाऊंगा ना, तो मैं वापस ना उसी जगह पहुंचूंगा जहां से मैंने चढ़ाई शुरू की थी। नहीं मुझे पहुंचना है टॉप पे। नीचे ना एक बहुत ही गहरी खाई है, लेकिन मैं इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहता, और मुझे यहाँ से रास्ता मिल गया। मैं पहले यहाँ से ऊपर जाता हूँ। अबे रास्ता दो मुझे यार, जाना कहाँ से मेरे को? ओ वेट यहाँ से जाना था क्या? मैंने बस ऐसे ही क्लिक किया था, और मैं तुक्के से ऊपर पहुंच गया। ओ वेट यार मेरे को ऊपर जाना है। अबे ऊपर चढ़ जा, गधे नहीं चढ़ पा रहा है, चढ़ गया। एक सेकेंड यार, यहाँ पर कुछ चमक रहा है, ये क्या है? बट यार आप इनका दिमाग तो देखो ना, इन लोगों ने कैसे इस पहाड़ को खोद के अपना घर बनाया था। यहाँ पर ना वही बॉक्स लगा है, तो मतलब रास्ता ऊपर से है। अबे यार मैं इस माउंटेन को कैसे पार करूं, ये तो एकदम नीचे है, क्या पता मैं इसको कर पाऊं। चलो मैं पहले यहाँ पर ऊपर जंप करता हूँ। जंप 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 अबे जंप। ओ तो मुझे ना इन वाले गड्ढू में अपने हाथ को फंसाना है, और अब पहले मुझे यहाँ से ऊपर जंप करनी है। वैसे कर पाएगा क्या? ओके वेट लगता है इस बार करूंगा। अबे पकड़। और अब थोड़ा मुझे राइट में जाना हो। अबे मेरे को समझ नहीं आ रहा यार मैं
करके आ रहा हूँ। इसकी कमर टूट गई शायद, और थोड़ा और ऊपर जाना है मेरे को, बस पहुंच गया पहुंच गया। ऐसे माउंटेन को तो मैंने कभी पार नहीं किया, भी यहाँ पर जंप करनी हो नीचे ना खाई है मेरे को यार, खाई में नहीं गिरना। अब कैसे जाऊं, अबे ऊपर ऊपर, अब क्या पकड़ लिया इसने, मुझे नहीं पता यार इसका हाथ किसमें है। और रस्सी जो है ना वो बहुत ज्यादा लंबी है यार, ये क्या है। ओ मेरी ग्रिप यहाँ पर, मतलब मेरा स्टेमिना यहाँ पर खत्म हो गया, और मैं फिर से नीचे आ गया, बस पहुंच गया। बेटा बेटा हिम्मत मत हार, ओके यार लगता है इस बार मैंने कर दिया, बस ग्रिप मत छोड़ना, ग्रिप मत छोड़ना, दुनिया को दिखा दे आज, अपनी इंसल्ट मत करवा यार। यहाँ से हमको ऊपर जाना है, उसके बाद तो ऊपर जाके ना कुछ खा लेगा। वेट, तो मैंने यहाँ से एक पाइटॉन को लगा दिया, और अब मैं यहाँ से जंप करूंगा। कमोन कमोन, मेरी स्टेमिना की वाट लगा दी इसने यार। होल्ड टू लोड अ जंप, अभी वही तो कर रहा हूँ ना, मुझे डबल जंप करनी है यहाँ से, बट नहीं हो रही है क्योंकि मेरे पास स्टेमिना बहुत ज्यादा कम है। ग्रिप को तो पकड़, क्या कर रहा है तू, मैं ट्राई करता हूँ, अब पकड़ लिया। पूरे कसम से यार कितना डिफिकल्ट था, बट मैंने कर दिया। क्लाइंबिंग तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। ओके तो पहले मुझे यहाँ पर सी दबाना है, और इसने यहीं से ना एकदम परफेक्ट निशाना लगा दिया। जब तेरे को इतनी ट्रेनिंग है ये सब करने की, तो इतना टाइम क्यों लगाता है क्लाइंब करने में यार, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे वो टावर कहाँ पर है, बस यार मैं टावर तक शायद पहुंच गया, शायद पहुंच गया यार, और अभी ना सब राज यहाँ पर खुलने वाले। तो मैं पहले यहाँ से ऊपर जाता हूँ, अब तो मैं इसको तेजेस कर लूंगा यार, बंदरों की ये देखो यार। मैं जैसे ही कह रहा हूँ ना, मतलब मैंने सीख ली, ये नीचे आता है, मेरे को बिल्कुल भी क्लाइंबिंग नहीं आती है यार, क्या करे यार। पकड़, सब डिपेंड करता है स्टेमिना पे, अगर हमारा स्टेमिना अच्छा रहा तो ये कर लेगा, अगर हमारा स्टेमिना कम हुआ ना फिर ये एक एक जंप करके ना ऊपर जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है देखो मेरा स्टेमिना यहाँ पर खत्म हो गया, अब मेरे को यहाँ से एक एक जंप करके ऊपर जाना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मुझे अपनी ग्रिप को ना बिल्कुल भी लूज नहीं करवाना है, लेकिन अब ना मुझे खाली सिंगल जंप करनी है, मुझे गलती से भी दो दो जंप नहीं करनी है। लेकिन मैं ऊपर तक कैसे जाऊंगा, ये तो इतनी लंबी जंप नहीं कर पाएगा, लगता है मुझे लेफ्ट से जाना हो। अरे अबे ग्रिप लूज हो गई यार, मुझे डबल डबल जंप नहीं करनी है, बस सिंगल सिंगल जंप करके मुझे ऊपर तक पहुंचना है, और अब ना यहाँ से मेरे को और लेफ्ट जाना है। पकड़ लिया पकड़ लिया, मैं जितना हवा में रहूंगा ना उतना मेरा स्टेमिना यहाँ पर कम हो जाएगा। नहीं मेरे को ऊपर ही जाना है, बट ये रास्ता नहीं है, ओ वेट यही रास्ता है। चलो अगर मैं यहाँ से नीचे गिराना तो मेरे को नीचे से आना पड़ेगा। चलो ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ना, ये शायद डेड है यार, ये तो कुछ मोटर जैसा है। अबे यार ये तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड सिविलाइजेशन है, बट यहाँ पर ये चीजें क्या कर रही है, और नीचे ना कुछ सबमरीन जैसी है। आराम से बंदरों की तरह नहीं, आराम से। पहले मुझे ये भी डिफिकल्ट लग रहा था, तो यहाँ से मैं अपनी रस्सी को बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैं कहाँ पहुंच गया, ओ वेट लगता है मैं टॉप पे पहुंच गया। और यार इन लोगों ने क्या बनाया है कसम से यार, आप देखो ना इन लोगों ने ये ब्रिज कितनी हाइट पे बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। और हम लोग फिर कहते हैं कि यार इनको शायद एलियंस ने बनाया होगा। देखो तो यार मुझे अभी कितना ऊपर जाना है, ये माउंटेन कितना बड़ा है। ओ वेट यहाँ पर ना कुछ वाटर टैंक है, मैं भी इसमें ना वो पानी जमा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें वो पानी नहीं है। फिलहाल ना मैं यार इस माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे नहीं आ गया, मतलब बहुत ऊपर हूँ। देखो तो ये रेगिस्तान, अब सीन तो देखो, नजारा तो देखो कसम से, वाह यार क्या नजारा है कसम से, क्या बढ़िया सीन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये कैसा पेड़ है, बर्तन वर्तन भी है जो टूटे हुए है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये मिडिवल एज की सिविलाइजेशन हो, क्योंकि इनको ना मतलब वो पता था बर्तन क्या होता है, मोटर क्या होता है, क्योंकि मैंने एक मोटर भी तो देखा था ना। ये ना वो एंशियंट सिविलाइजेशन तो नहीं हो सकती। ओ वेट लगता है मुझे यहाँ से रास्ता मिल गया, बट यहाँ से रास्ता ब्लॉक है। ओ वेट लगता है मुझे ना शायद यहाँ से जाना हो, तो यहाँ पर ना ये पुल ऊपर है। ओके ओ वेट, तो मैंने इसमें रस्सी लगा दी, और इसने ना अपनी रस्सी के थ्रू इस पुल को नीचे कर दिया। वेट यहाँ पर कुछ है, एट द ओल्ड हार्बर मास्टर्स ऑफिस एंड नोट कॉट माय आई, साउंड्स लाइक पोएट्री एक्सपेडिशन टू द क्लाउड्स सीकिंग होप एंड वाटर, जॉइन अस एट 12 Octavius Becca and all Rose Farm Highfield to journey together. कोई और भी है, और मुझे ना अब किसी फार्म पे जाना है। ये 12 Octavius का मतलब क्या हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। Maybe यहाँ का कुछ टाइम सिस्टम हो, इस लेटर पे लिखा था कि मुझे किसी फार्म पे जाना है, Maybe वो फार्म ऊपर हो और वो सब ना मेरा इंतजार कर रहे हो। ओ वेट यहाँ से रास्ता मुझे मिल गया, चलो यार मुझे फटाफट ना फार्म तक पहुँचना है। आओ बहुत ही बढ़िया, बस पहुँच गए यार हम टॉप पे पहुँच गए। कम ऑन पकड़, अबे यार और ऊपर जाना है यार, मैं कहाँ फंस गया, ये तो फिलहाल इजी है। अबे यार ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, गड़बड़ हो गई यार। लेकिन अपने स्टेमिना को ध्यान में रखते हुए मुझे स्टेमिना वापस लाना होगा, थोड़ा लेफ्ट में जाना हो तो यहाँ पर मुझे अपना पाइटन लगा देना है, तो मुझे थोड़ा रस्सी को और नीचे करना होगा। अब थोड़ा मुझे ना वो घूम के आना होगा, पकड़ रस्सी को। फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से लटक गया, लेकिन मेरे को जाना है ऊपर, लगता है मुझे ऊपर अब रस्सी को फंसाना होगा। क्या निशाना है कसम से यार, एकदम बढ़िया। मेरे पास एक मस्त प्लान है, मैं थोड़ा हवा में जाता हूँ और यहाँ से मैं रस्सी को थोड़ा ऊपर करता हूँ। नहीं मैं इतना ही ऊपर जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पर ना एक प्लान
बैंक है, तो मुझे शायद इसी पे ना अपने पैरों को रखना होगा, शायद ये करना था। मैं थोड़ा अब यहाँ से लेफ्ट में जाता हूँ, चल चल ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया, ऐसी तो ऐसी ना इस रास्ते से आगे चल। अब पहले मुझे यहाँ पर एक बहुत ही लंबी सी जंप करनी है और ग्रिप को पकड़ना, बस छोड़ना मत। चलो कसम से पहुंच गया, क्या मेरे को यहीं से जाना है? हाँ जाना तो वैसे यहीं से, बच गया, थोड़ा और ऊपर जाना है मेरे को, और यहाँ से मैं इस खिड़की को पकड़ के ना यहाँ पर मुझे एक और जंप करनी है। चलो जंप करना, गिरना नहीं। ये मैंने कैसे कर दिया? क्या ये फार्म है? नहीं यार, ये तो फार्म मुझे नहीं लग रहा है। डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद द लॉस्ट ओशन? ओ लॉस्ट ओशन की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर शायद कभी कभार समंदर हुआ करता था, जो कि यार किसी वजह से ना सूख गया होगा। हम ना सब पता लगाएंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले टॉप पे पहुंचना है, इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। ओ फाइनली यार मैं उस टॉवर तक पहुंच गया। आप देखो ना मैं कहां से कहां पहुंच गया यार। टॉवर नहीं है यार, ये कुछ और है, और इसमें ना वो अजीब सा सायरन लगा है। मे बी ये जंग के टाइम पे काम आता हो, क्योंकि जब पुराने जमाने में जंग होती थी ना, तो वो ना कुछ ऐसे बजाते थे, और यहाँ पर ना अभी कुछ मार्क आ रहा था, तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ करना हो। यहाँ पर मुझे कुछ लगाना है क्या? अरे हाँ, तो मेरे बैग में ही था। वेट, मैंने लगा दिया। वेट, इसने यहाँ पर कुछ वो शोर जैसा कर दिया, कुछ तो यहाँ पर होने वाला है। और इस क्लॉक में ना अजीब सी वो वाइब्रेशन निकल रही थी, क्या हुआ? ओ वेट, वो बर्ड भी शायद बाहर आने लगा। तब से कहाँ था तू? अब तू बाहर आ रहा है, और ये दोनों ना अब किसी को देख रहे हैं। अबे क्या देख रहे हो? ओ वेट, अब क्या करने वाले हो? तो अपना ये एक और फूक मारने वाला है, चलो मार दो। ओ, क्या हुआ? और इसमें से कुछ अजीब सी साउंड वेव्स निकल रही है। ये क्या चमक रहा है यार, क्या हो रहा है यहाँ पर? इनकी बॉडी भी चमक रही है। ओ वेट, इसमें तो लाइट्स आने लगी। आरजीबी के नशे, आरजीबी ने हमें यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पर ना कुछ अजीब से पैटर्न्स बने हैं दीवारों पे, मुझे नहीं पता यार ये क्या है। ओ तो इस पूरे टॉवर पे ना हरियाली आ गई, अबे पेड़ आ गए, पौधे आ गए, ये कैसे पॉसिबल है? और ये दोनों ना बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे, पेड़ है तो जिंदगी है। ओके यार, क्या ही जबरदस्त मिशन था। ओके तो ये चैप्टर 1 था, तो अब चैप्टर 2 माइग्रेशन है। तो हमें ना शायद इस माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे पहुंचना है, और उसके बाद ना हमें सारे सीक्रेट्स यहाँ पर पता लगने वाले हैं। तो चलो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यार आपको यार आज का ये गेम प्ले वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले एपिसोड में ना हम और भी ज्यादा ऊपर जाएंगे, और हम ना सारे सीक्रेट्स को पता लगा कर ही दम लेंगे। तो मिलता हूँ यार अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।